आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ इन इंडिया। हमारे देश इंडिया में एलोपैथिक मेडिसिन या अंग्रेजी दवाओं का उपयोग और पेशेंट को हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशन में इलाज करना यूरोपियन रूलर यानी कि यूरोपीय शासक के द्वारा शुरू किया गया था। हमारे देश के इंडिजिनस मेडिकल सिस्टम के चरक और अन्य स्टालवार्ट मतलब अन्य दिग्गज लोग मेंटल डिसऑर्डर यानी कि मानसिक बीमारी को असाध्य मानते थे, अनमैनेजेबल मानते थे। इस प्रकार कम्युनिटी सेटिंग में ही फोक हीलर के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता था। इंडिया में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का डेवलपमेंट 5 फेज में हुआ है। फर्स्ट फेज कॉलोनियल पीरियड को कहा जाता है, जब हमारा देश गुलाम था। यह लगभग लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी को हुआ था, यानी कि 1750 के आसपास। लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी को हमारे देश में कई लुनेटिक असाइलम बनाए गए। मेंटल हॉस्पिटल को ही पहले के जमाने में लुनेटिक असाइलम कहा जाता था। फर्स्ट लुनेटिक असाइलम 1745 में बॉम्बे में बनाया गया था। बॉम्बे को अभी हम मुंबई कहते हैं। सेकेंड लुनेटिक असाइलम 1781 में कलकत्ता में बनाया गया था। कलकत्ता को अभी हम कोलकाता कहते हैं। थर्ड लुनेटिक असाइलम 1794 में मद्रास में बनाया गया था। मद्रास को अभी हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। फोर्थ लुनेटिक असाइलम बिहार में बनाया गया था। तो ये तो हो गई हॉस्पिटल की बात। इन हॉस्पिटलों में मानसिक बीमार लोगों को बहुत ही बैड क्वालिटी का ट्रीटमेंट दिया जाता था, जैसे कि जेल में क्रिमिनल अपराधी के साथ किया जाता है। एक बात का आगे आप ध्यान रखें कि पहले हॉस्पिटल को असाइलम कहा जाता था। तो अगर मैं असाइलम कहूं या हॉस्पिटल तो आप कंफ्यूज मत होना। तो हॉस्पिटल में बैड क्वालिटी के ट्रीटमेंट के साथ ही मानसिक बीमार लोगों के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जाता था, साथ ही बांध कर भी रखा जाता था, जैसे कि सलमान खान की तेरे नाम मूवी में आपने देखा होगा। इसलिए फिलिप पिनेल, विलियम टॉक और बेंजामिन रूस ने असाइलम में हॉस्पिटल में इन इल ट्रीटमेंट के खिलाफ आंदोलन किए और फिजिकल स्ट्रेन को रिमूव किए, मतलब अब मेंटल पेशेंट को बांध कर नहीं रखा जाता था। फिलिप पिनेल फ्रांस में, विलियम टॉक इंग्लैंड में और बेंजामिन रूस यूनाइटेड स्टेट में आंदोलन किए थे। उसके बाद 1841 में डोरोथिया डिक्स को इंस्टीट्यूशन के मेंटल हॉस्पिटल के इंस्पेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया और अब ह्यूमन ट्रीटमेंट पे फोकस शुरू हुआ, यानी कि पेशेंट को इलाज करते समय नुकसान कम और स्वास्थ्य में सुधार ज्यादा हो। इसके फलस्वरूप 32 मेंटल हॉस्पिटल यूएस में बनाए गए, जिसमें के ज्यादातर हॉस्पिटल रूरल एरिया में, गांव एरिया में बनाए गए थे। उसके बाद 1908 में क्लिफोर्ड डब्ल्यू बीएस के द्वारा एक बुक अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ लिखा गया। इस बुक ने मेंटल हॉस्पिटल के अवफुल कंडीशन, खराब कंडीशन को लोगों के सामने लेकर आया। और फिर यूएसए में नेशनल मेंटल हेल्थ एसोसिएशन बनाया गया, ताकि मेंटली इल या मानसिक बीमार लोगों के अच्छे ट्रीटमेंट के लिए फाइट कर सके, आवाज उठा सके। उसके बाद 1909 में एडोल्फ मेयर ने इंस्टीट्यूशन से, हॉस्पिटल से बाहर मेंटली इल पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए एडवोकेट किए, वकालत किए और कॉम्प्रहेंसिव कम्युनिटी मेंटल हेल्थ अप्रोच का प्रस्ताव रखे। यूएसए और अन्य वेस्टर्न कंट्री में 1955 से लेकर 1980 के बीच डीइंस्टीट्यूशनलाइजेशन का युग था। इसने कम्युनिटी साइकियाट्री के डेवलपमेंट को इम्पेटस प्रदान किए, गति प्रदान किए। इंडिया में 3 सोर्सेज से कम्युनिटी मेंटल हेल्थ मूवमेंट के लिए इंस्पिरेशन मिला। पहला, वेस्टर्न कंट्री में यह रियलाइज किया गया कि मेंटल पेशेंट को मेंटल हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। लेकिन 1960 में अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट ने डिस्कस किया कि लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहने से मेंटल पेशेंट को सोशल ब्रेकडाउन सिंड्रोम होता है। इसी ने कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन को कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा, यह रियलाइज किया गया कि ट्रेंड प्रोफेशनल के द्वारा हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशन में साइकियाट्रिक केयर देना बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, महंगा हो सकता है और इंडिया जैसे देश के पास कई सालों तक मैन पावर फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थे कि कन्वेंशनल मेथड द्वारा, अंग्रेजी मेडिसिन और टेक्निक द्वारा ट्रीटमेंट दिया जा सके। तीसरा, यह डिस्कवर किया गया कि सिंपल और शॉर्ट इनोवेटिव ट्रेनिंग के द्वारा पैरा प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल रीजनेबल मेंटल हेल्थ केयर डिलीवर कर सकते हैं। 1946 में कोल एम टेलर, जो कि रांची के यूरोपियन मेंटल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट थे, इन्होंने 17 मेंटल हॉस्पिटल का सर्वे किया और यह ऑब्जर्व किए कि यहां तो आउटडेटेड केयर दिया जा रहा है। इस सिचुएशन को 1946 के भोर कमेटी के रिकमेंडेशन में क्लियरली इलस्ट्रेटेड किया गया था। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का फर्स्ट फेज था, जो कि आजादी से पहले की बात है। अब हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। सेकेंड स्टेज 1950 से शुरू हुआ था, मतलब देश आजाद होने के बाद। 1954 में बेंगलोर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिश किया गया, जिसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को ट्रेनिंग देने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ को अभी हम निमहेंस के रूप में जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि बेंगलोर में है। निमहेंस, जो 1987 से मानसिक स्वास्थ्य के अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए WHO का सहयोगी केंद्र रहा है, कोलैबोरेटिव
सेटिंग सेंटर रहा है। इंडिया में साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिक सोशल वर्कर और साइकाइट्रिक नर्स के ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ा सेंटर रहा है। और भी कई नए मेंटल हॉस्पिटल बनाए गए, जैसे कि अमृतसर में, हैदराबाद में, श्रीनगर में, जामनगर में और न्यू दिल्ली में। सेकेंड फेज को फ्री इंडिया में मेंटल हेल्थ सर्विसेज का युग कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज मेंटल हॉस्पिटल में या मेंटल हॉस्पिटल के आसपास ही दिया जाता था। डॉक्टर विद्यासागर, जो कि अमृतसर मेंटल हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट थे, मेंटली इन लोगों के ट्रीटमेंट के साथ ही फैमिली मेंबर को भी ट्रीटमेंट में शामिल किए, मतलब इन्होंने फैमिली मेंबर को भी साथ में रहने को अलाउ किया। डॉक्टर विद्यासागर ने यह शो किया कि अगर मेंटली इल पर्सन के ट्रीटमेंट में फैमिली मेंबर शामिल होते हैं तो पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं, जल्दी रिकवर होते हैं। इसी प्रिंसिपल के बेस पे बेंगलुरु मेंटल हॉस्पिटल और सीएमसी वेलोर में फैमिली वार्ड एस्टेब्लिश किया गया। तो इतना सेकेंड फेज था, अब हम थर्ड फेज की बात करते हैं। थर्ड फेज जनरल हॉस्पिटल साइकाइट्रिक यूनिट के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही 1960 में शुरू हुआ। हालांकि 1933 में बॉम्बे और कोलकाता में पहला जनरल हॉस्पिटल साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट शुरू किया गया था। एंड मोर यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स स्टार्ट वर्किंग इन 1970s। 1962 में मुदालर कमेटी ने अनुमान लगाया कि आने वाले 10 सालों में देश के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में साइकाइट्रिक यूनिट स्थापित किया जाएगा। अब हम जनरल हॉस्पिटल साइकाइट्रिक यूनिट्स के एडवांटेज को देखते हैं। हॉस्पिटल में रहने का समय कम हुआ, फैमिली मेंबर को ट्रीटमेंट में शामिल किया गया, ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विसेज, अट्रैक्ट मोर पेशेंट विद माइनर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, एनकरेज मोर आउट पेशेंट केयर, मेंटल हेल्थ को जनरल हेल्थ सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया। तो ये एडवांटेज थे जनरल हॉस्पिटल साइकाइट्रिक यूनिट्स के। अब तक हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेज को पढ़ा, अब हम फोर्थ फेज की बात कर लेते हैं, जो 1970 में शुरू हुआ था। फोर्थ फेज में केयर को, ट्रीटमेंट को मेंटल हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल से प्राइमरी हेल्थ केयर में एक्सटेंशन किया गया, मतलब बढ़ाया गया। कहने का मतलब, अब तक ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल में हुआ करता था, लेकिन अब एक ही जिले में बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं। तो अब मेंटल हेल्थ केयर इलाज पीएचसी में भी दिया जाने लगा और साथ ही कम्युनिटी में भी दिया जाने लगा, मतलब गांव में भी ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। मिड 1970s में ये रियलाइज किया गया कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज हाईली सेंट्रलाइज है, मतलब मोस्टली शहरों में, अर्बन एरिया में है। इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी ने मदुराई, नागपुर और त्रिवंद्रम में सेमिनार और वर्कशॉप किए। इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी ने इस बात पर बल दिया कि मेंटल हेल्थ केयर को जनरल हेल्थ केयर के साथ इंटीग्रेट किया जाए। एन एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द WHO ने भी रिकमेंड किया कि डेवलपिंग कंट्री मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑर्गेनाइज करे बाय इंटीग्रेटिंग दिस सर्विस विद देयर एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब पहले से जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसी में मेंटल हेल्थ केयर भी दिया जाए। तो रूरल अंडर प्राइविलेज्ड पॉपुलेशन के लिए, गांव के लोगों के लिए मेंटल हेल्थ सर्विसेज के एक्सटेंशन के डेवलपमेंट और इवॉल्वेशन के लिए बेंगलुरु और चंडीगढ़ ने पायलट प्रोग्राम इनिशिएट किया, शुरू किया। इंडिया ने 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को अडॉप्ट किया और जनरल हेल्थ सर्विसेज के साथ मेंटल हेल्थ सर्विसेज को इंटीग्रेट किया गया। मतलब जहां पहले केवल बुखार, मलेरिया या अन्य ट्रीटमेंट दिया जाता था, वहां मानसिक बीमार लोगों को भी इलाज दिया जाने लगा। ये फोर्थ फेज था। अब हम फिफ्थ फेज की बात करते है। फिफ्थ फेज 1990 से शुरू हुआ था। इस फेज में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मेंटल हॉस्पिटल के कंडीशन को इम्प्रूव किया गया, फंड को बढ़ाया गया, वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, साइकाइट्रिक सर्विस में प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ हुआ, प्राइवेट कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट का ग्रोथ हुआ और आज के समय में बहुत से मेंटल हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट बन रहे हैं। थोड़ा सा हम 1987 में आए इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट की बात कर लेते हैं। इस एक्ट के आने के बाद मेंटली इल पर्सन को कई राइट्स मिले, जैसे कि उसके प्रॉपर्टी को कौन मैनेज करेगा, वो अपने मन से कपड़ा पहन सकता है, वो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को लेने से मना कर सकता है, वो अपने मन से हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है अगर उसे लगता है कि वो मेंटली इल है, और भी बहुत सारे नियम राइट्स मेंटली इल पर्सन को मिला है। तो अगर आप मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।